कांग्रेस नेता ने अपने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताया है। कांग्रेस के झालावाड़ बारां लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा लोकतंत्र की हत्या एवं सत्ता का दुरुपयोग कर पूर्व वित्त मंत्री एवं गृह मंत्री माननीय पी चिदम्बरम जी की छवि को धूमिल कर जो गलत संदेश दिया जा रहा है उसको लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा के साथ दर्जनों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। शर्मा ने इस मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह श्री चिदम्बरम के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार लोकतांत्रिक परंपराओं की अवहेलना की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार अपने एक गले में पट्टा डाल करके इस प्रकार का कृत्य कराया जा रहा है कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री के साथ में जिस प्रकार का आचरण आज देश में हुआ, देश ने देखा कि गलत हुआ, परंतु ऐसे संवैधानिक संस्थाओं का मूल्यों का हास करके केंद्र सरकार द्वारा पी चिदम्बरम जी की गिरफ्तारी को लेकर के ये देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन जो चल रहे हैं उसमें झालावाड़ के ऐसे आक्रोशित कांग्रेसी अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करने के लिए आज ज्ञापन देना है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर कि इस प्रकार जो केंद्र सरकार कर रही है उसको बंद करके और एक स्वस्थ परंपराओं का पालन करे, देश हित के अंदर काम करे। देश के अंदर विपक्ष को अगर दबाने का दमन का एक क्रम चलाया गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी श्रद्धे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी प्रकार से किसी कार्यकर्ता के ऊपर आंच आती है तो संपूर्ण कांग्रेस उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।